चिकन बिरयानी आ गया है भैया, रास्ता रास्ता चिकन बिरयानी आ गई है भाई। आया भाई की खुशी, आया भाई आपके चिकन बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आज भाई आया भाई ने कहा है कि उसको कराची की जैसी बिरयानी खानी है, तो मैंने एक रेस्टोरेंट ढूंढा है, वहाँ पे बिरयानी अच्छी थी, लेकिन वो कराची का रेस्टोरेंट नहीं था, वो बंगाली रेस्टोरेंट है, लेकिन बिरयानी शक्ल से अच्छी लग रही थी, तो मैं आया भाई को लेके जा रहा हूँ। और आया भाई बिरयानी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, उसको टेस्ट समझ नहीं आता तो ये वाइट टेबल वेबल भी तोड़ देता है वहाँ पर। तो रेस्टोरेंट चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि बिरयानी कैसी है। जो मक्का में खास तौर पर लोग आए तो फिर उनको रिकमेंड करेंगे कि कराची वालों को कि बिरयानी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। ठीक है भाई, अगर सही है भाई, मक्का में अगर कोई उमरे के लिए आ रहा है तो मेरा मशवरा माना थोड़ा सा रुक जाओ। एक तो बहुत ज़्यादा रश है, दूसरा ये कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बंद हैं भाई, काफ़ी गेट्स बंद हैं। काबा के पास जाने के लिए आपको आराम करना ज़रूरी है, छत पे से व्यू बिल्कुल बंद कर दिया है, छत पे से आप काबा नहीं देख सकते। हाँ, बैठ सकते हैं, काबा नहीं देख सकते। तो मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा आप रुक जाएँ, रमज़ान के बाद आएँ, अभी फ़िलहाल सीन थोड़ा ऑफ है। आप उस तरह से अगर पहले आए हुए तो इन्जॉय नहीं कर सकेंगे, अगर फर्स्ट टाइम आएंगे तो फिर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो फिलहाल हम खाने की तरफ जा रहे हैं। ओके, क्राउड भी चेक कर ले, हद देने का लोग ही लोग हैं भाई। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, मीनार वगैरह बन रहे हैं, लोग ही लोग हैं भाई, लोग ही लोग, बिल्कुल जगह नहीं है यार। अगर यहाँ कोई कारोबार की सेटिंग हो जाए ना हरम के पास, हैं आया भाई, तो वारे न्यारे हो जाए इंसान के। हैं माशाल्लाह, चेक करो, ये सिर्फ आइसक्रीम है ये। हाँ, ये क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने आइसक्रीम पार्लर है, लेकिन अच्छी मज़ेदार आइसक्रीम हमने खाई थी अभी, इसका नाम है आइसक्रीम अल आसिमा, अच्छी थी यार। बट यार क्लॉक टावर की क्या कॉस्ट है? $15 बिलियन, $15 अरब। मतलब कि ये 4-5 बिल्डिंग भेज दें अगर तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा आराम से। अबे क्या बोल रहा है भाई, $15 अरब यार, बहुत होते हैं यार $15 अरब। भाई सब्जेक्ट जो है ना कभी कभार बोलता है, अच्छा बोलता है, लेकिन मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है, उसमें आनंद भाई जो होते हैं ये वो हैं भाई, बहुत कम बोलते हैं, कभी कभार बोलते हैं, आज बोला है ये। अच्छा भाई, रेस्टोरेंट का मैं बता दूं कि ये सामने जो है ना जहाँ होटल्स की शटर आती है ना सारी, ये मक्का क्लॉक टावर के पीछे यहाँ पे होटल की जितनी भी जिन होटल्स की शटर होती है यहाँ पे आती है, ये उसके सामने है ये जमजम होटल। यहाँ है भाई अच्छा मज़ेदार खाना, वैसे तो बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है लेकिन टेस्ट अच्छा है, मतलब मुनासिब है। तो कोई भी अगर उम्रे पे आया भाई और खाना मुनासिब रेट पर खाना चाहता है फैमिली, तो ये अच्छी जगह है। अभी अभी इशा की नमाज़ ख़त्म हुई है ना, तो रेस्टोरेंट में ख़तरनाक रश हो गया, फुल खचाखच भरा हुआ है रेस्टोरेंट, लेकिन लेट्स सी कुछ ना कुछ हमें जगह मिल ही जाएगी। फुल पैक्ड है, जगह ढूंढते हैं और क्या है भाई को जगह मिल जाएगी। बैठो बैठो, ये चिकन वगैरह पैक हो रहा है यहाँ पे। यार इसको देख के गौसिया का चरगा याद आ गया। ओह वाह, बाकी ये बिरयानी भाई साहब, बिरयानी किधर है भाई साहब? बिरयानी चावल रखे हुए 2-3 किस्म के। चिकन बिरयानी आ गया है भैया, रास्ता रास्ता चिकन बिरयानी आ गई है भाई। ये आया भाई की खुशी, आया भाई आपके चिकन बिरयानी। यार ये उबले हुए चावल दे दिए उन्होंने, ये लाहौर की बिरयानी तो नहीं है ये? मैं खा के बताओ कैसी है, मुझे तो लाहौरी टाइप की लग रही है। अच्छी है। वो कह रहा है कराची की बिरयानी है। नहीं मेरा चमचा देना, अरे उबले हुए चावल है यार, उसको बिरयानी कह रहा है। सही है भाई, 25 रुपया का घटिया है, कराची की बिरयानी के चक्कर में 25 रुपया का काट दिया तुमने मोरू ने। बोटियाँ तो खैर अच्छी नहीं है, लेग पीस भी है। खैर
अब जो है भाई यही है, बिरयानी पसंद आई हो तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर कर देना कि मक्का में आप लोग क्या खाते हैं, और अगर आप आते हैं तो वीकेंड ट्रैवलर हैं तो क्या प्रेफर करते हैं मक्का में, अरबिक फूड या देसी फूड। हम लोग 3-4 दिन से अरबिक फूड खा रहे थे लेकिन अब देसी फूड का मूड हुआ तो बहुत डिसअपॉइंट किया। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की भाई बड़ी यहाँ पर डिमांड है क्योंकि सारे मेन स्ट्रीट के ऊपर ना बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पर। तो अगर कोई है बिजनेस करना चाहते हैं यहाँ पर तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को प्रेफर है भाई, रेस्टोरेंट बिजनेस में आ जाओ। यह भाई बिरयानी भी मंदिर स्टाइल में खा रहे हैं, 200 खान पर डेल के पूरी। यह वैसे 25 रन में 3 बोटियाँ बुरी तो नहीं है, है? टेस्ट भी नॉर्मल है ना। मस्जिद के बाहर भाई ये फ्रिजेस लगाए हुए हैं, जिसको जितना पानी लेना है वो लेके जाए मुफ्त में। हाँ भाई मुफ्त मुफ्त, बस एक उठा लो यार, तुम तो फ्री हो गए फौरन, फ्री देख के उठा रहा था। मैंने अपनी उठा ली यार। तुमने बिरयानी का नहीं बताया, रिकमेंडेड है कि नहीं है? अच्छी है, चलो भाई थम्स अप्रूव्ड के बाद फ्री का पानी। मक्का में ये है यार, मक्का में जब आप आ जाओ तो अगर आपके पास पैसे भी नहीं है ना तो खाने पीने में इतना मसला होता नहीं है, क्योंकि हर वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ बट रहा होता है, हर बंदा कुछ ना कुछ आपको फ्री में दे रहा होता है, तो इतना मसला होता नहीं है खाने का। पानी भी मिल जाता है, पानी तो खैर जमजम है ही, लेकिन बाहर वाटर भी मिल जाती है फ्री में, और बच्चे से लेके बड़ा तक जो है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ बांट रहा होता है। तो ये मक्का की खूबसूरती है भाई,